नमस्कार, पत्रिका ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। आपको जानकर थोड़ा सरप्राइज हो सकता है कि सीवी रमन यूनिवर्सिटी के कुलसचिव शैलेश पांडे ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। वे कल रायपुर में, कल यानी कि 4 जुलाई 2017 को रायपुर में एक जलसे के जरिए कांग्रेस की औपचारिक रूप से सदस्यता लेने जा रहे हैं। शैलेश पांडे डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के कुलसचिव हैं और लंबे समय से राजनीतिक रूप से भी सक्रिय नजर आ रहे थे। ये जो सक्रियता है कल जाकर फ्रूटफुल होगी। कल जो कार्यक्रम होगा उसमें बी के हरिप्रसाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पीसीसी के, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भूपेश बघेल, वो उनको कांग्रेस की औपचारिक रूप से सदस्यता दिलाएंगे। अब ये देखना होगा कि कोटा से ताल्लुक रखने वाली इस यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉक्टर शैलेश पांडे किस सीट से अपनी दावेदारी करते हैं। बहरहाल लंबे अरसे से, करीब साल भर हो गया था तब से ही शैलेश पांडे और स्थानीय बिलासपुर से विधायक और मंत्री अमर अग्रवाल के बीच एक लंबे समय से तनातनी चल रही थी। इस तनातनी के बीच में ये एक खबर आई है जो कि राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ में एक बड़ी खबर है, और देखते हैं इससे उलटफेर का क्या असर होता है। चूंकि शैलेश पांडे ने अपना ग्राउंड लंबा बनाया हुआ था, वे अरसे से यहाँ पर सक्रिय हैं, विभिन्न विषयों को उठा रहे हैं। कोटा की जो अभी हाल ही की जो सड़क थी जिसमें जो वाइडनिंग के लिए पेड़ काटे जा रहे थे, उसकी खिलाफत के जरिए उन्होंने पब्लिक कनेक्ट क्रिएट किया। कुछ कोटा के आसपास के पोल के जो मामले हैं उनको भी उठाया, और साथ ही साथ और भी मामलों को लेकर के वो चलते रहे हैं। इसके अलावा उनके जो ताल्लुकात हैं वो शंकराचार्य पुरी के जो हैं, स्वामी निश्चलानंद जी से अच्छे ताल्लुक हैं, तो एक धार्मिक माइलेज भी उनके उसमें व्यक्तित्व में समाहित है, साथ में सामाजिक कनेक्शन भी एक अच्छा है। बहरहाल ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना कि वो कहाँ से क्या उनकी दावेदारी होगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक करीब एक सवा साल पहले, चुनावों के सवा साल पहले इस तरह का एक बदलाव आया है। इसको देखना होगा, कल एक कार्यक्रम के जरिए जब शपथ ले लेंगे औपचारिक रूप से, तो फिर उसके बाद बाकी बातें सामने आएंगी, समझ में आएगा। बहरहाल पत्रिका ब्रेकिंग में सबसे पहले खबर आपको पहुंचा रहे हैं हम कि शैलेश पांडे जो है कल से कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो जाएंगे, वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे औपचारिक रूप से। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।